तो ताकत के प्रदर्शन जनता के सामने जब शहाबुद्दीन जी के ना चलल, प्रभुनाथ बाबू के ना चलल, तो ये मामूली सा एगो मुखिया के चुनाव में के जनमत के सामने के दादागिरी करी, बूथ कैप्चरिंग कर गई। वो समय में भी कोई प्रत्याशी का इतना ताकत ना रहे कि हमरा के आँख दिखा के आ बूथ कैप्चरिंग कर जाओ। हम नीतीश जी या जगन्नाथ मिश्रा तो हई ना कि हमरा गाड़ी के काफला पीछे घुमावे के शौक बा। लगातानी हम आई लाल किशोर रहुआ देखातानी मैच बॉक्स पंचायती चुनाव में मैच बॉक्स इतना दौरा करता। अभी हम फिलहाल बनी छपरा जिला के बनियापुर प्रखंड के शाहजीतपुर पंचायत में इवा आयल बनी एगो प्रत्याशी से भेंट करे। वहाँ के नाम है अजय ओझा जी। यहाँ के मुखिया के चुनाव लड़म तो काहे ना यहाँ से कुछ सवाल कर जाओ। तो आई सबसे पहले हम अजय ओझा जी से मिलाओ तानी। सबसे पहले रहो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद। मैच बॉक्स के एगो खास कार्यक्रम चलेला पंचायत में का बात है, हम रउरा से जानना चाहते नहीं रउरा पंचायत में का बा। पंचायत में हमार पंचायत तो सारण प्रखंड के एक नंबर अव्वल पंचायत बा, चूँकि NH से कनेक्टेड मेन रोड पर ही पंचायत बा। यहाँ बहुत सुबुद्धि क्लास के पढ़ल लिखल सभ्य लोग बा, मगर मुखिया जी के यहाँ कार्यकलाप जे बा वो संतोषजनक नहीं। हम यहाँ पता कहीं नहीं आ रहा, दो बार के पहले चुनाव हार चुकल बनी, फिर तीसरा बार रउरा चुनाव लड़े के दावेदारी पेश करते नहीं। जब रउआ के दो बार जनता ना मौका दिलस तो का उम्मीद लगा था कि ये बार रउआ का मौका दी जनता जी? सबसे पहले तो अपने के हम ये बतावल उचित समझे कि हमारा सर्टिफिकेट नहीं मिल पाई, चूँकि हम एक पढ़ल लिखल सम्पन्न परिवार से आवे नहीं। हमार बाल बच्चा परिवार सब पटना में रहेला। हम यहाँ समृद्ध परिवार से जुड़ल बानी। चुनाव जनता हमरा के जितौले बा दुनू बार, मगर चूँकि यहाँ जे लोकल राजनीति बा, चाहे ओकरा के का कहीं हम उग्र किस्म के जे प्रतिवादी बा, चाहे दबंग लोग बा, वो चुनाव काउंटर पर काउंटिंग काउंटर पर या कोई एगो बूथ में एक बार काउंटिंग काउंटर पर जबरदस्ती सही वोट के भी बोगस बोगस हल्ला करके उल्टा सीधा करके चुनाव के सर्टिफिकेट ले लेलक लोग। दोबारा दूसरा चुनाव में एक बूथ पर मैनेज करके चार प्रत्याशी एक साथ, BDC, सरपंच, मुखिया प्रत्याशी आ जिला परिषद प्रत्याशी, ये तीन आदमी एक विशेष जाति के रहे आ एक सरपंच रलन से पंडित जाति के रलन। ये चारों आदमी मैनेज करके गलत ढंग से वहाँ जनता के गुमराह करके वहाँ वोट के एक तरीका से ये कहीं कि स्टैम्पिंग करके प्रभारी लोकल थाना प्रभारी उन वही मुखिया के स्वजातीय रलन, वो प्रशासन का सहयोग से गलत तरीका से एगो बूथ कैप्चरिंग करके वो लोग सर्टिफिकेट हासिल कैलक। जबकि दुनू चुनाव में जनता हमरा के जितौले बा। हमरा 1200 वोट पिछला चुनाव में भी जनता हमरा के देले रहे। 1210 वोट पर चुनाव डिक्लेयर भइल तो मात्र 10 वोट ये लोग ये प्रशासन के मैनेज और ये सब कर के सर्टिफिकेट हम ना ले सकनी। जनता पर के हमरा पर पूर्ण विश्वास बा, जनता जितौले बा, मगर हम सर्टिफिकेट ना ले सकनी। जनता के निगाह में हम हारते हुए भी बगैर सर्टिफिकेट के भी आज भी जनता के निगाह में हम मुखिया बानी। वही सम्मान वह दृष्टि से हमरा के सारा जनता देखेला, सम्मानित करेला। आ यदि सम्मानित ना करी तो दो बार हम मुखिया के चुनाव हरनी। तिवारा यहाँ 30 साल से एक खास व्यक्ति का पास पैक्स अध्यक्ष के पद रहे, जौन आदमी 30 बरिस से वो पद पर कायम रहे। हम फिर पैक्स के चुनाव लड़नी आ भारी मत से उनमें विजयी पैनी। वह जनता हमरा के अध्यक्ष पद पर बैठौले बा, तो हम कैसे कहें कि हम चुनाव हारल बनी जी? रघुआ अभी फिलहाल शाहजीतपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष भी बानी और अगला बेर मुखिया के दावेदारी करतनी, तो पैक्स अध्यक्ष में का कम पैसा मिलेगा का कि मुखिया के लड़ाई में रघुआ आयल बानी जी? अपने के सबसे पहले तो हम ये बताए कि पैसा के जहाँ तक बात बा, हम पहले ही अपने से एगो बात बतैनी है कि हम बहुत सम्मानित परिवार से बिलोंग करेनी और हमार बेटा तक लोग इनकम टैक्स रिटर्न पे करेला। और सामने जहां हम रउआ बैठल बानी ये 8 बीघा जमीन NH पर हमार दादाजी डोनेट करके हाई स्कूल बनवा के 1954-55 में
कैलन तो पैसा अपने जहाँ बैठल बानी एमे करीब करोड़ों रुपया के लागत से यहाँ मिल बा। आई एन एच पर करीब 1.5-2 बीघा हमरा पास जमीन बा। पटना में हमार अपन मकान बा, दिल्ली में अपन मकान बा, एक बेटा हमार इंजीनियर बा, एक बेटा हमार हाईकोर्ट में बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर बा, लॉयर बा, इंडिया के टॉप 10 कॉलेज से वो लॉ कैले बा, MIT लॉ कॉलेज से। तो पैसा के कोई वास्ता ही हमनी का नहीं खे, हमरा ना हमरा पूर्वज से नहीं खे, ऐसे कि अब दादाजी हमरा अपना जीवन काल में बहुत अनेकों स्कूल कॉलेज मंदिर मस्जिद के निर्माण करौले भरण जेकर गिनती अनंत बा ना। आ हम भी अपना रिजिम में जब से यहाँ आई नहीं 10-12 साल से हम गांव से जुड़ल बानी, तो जब से हम यहाँ आयल बानी अनेकों कार्यक्रम मंदिर मस्जिद लोग के सेवा निस्वार्थ भावना से अपना निजी कोष से कैले बानी। ऐसे पैसा के कोई लोभ लालच या कोई पद खातिर कोई पद पर लड़ाई हमार नहीं है जी। वैसे मुखिया के सैलरी वाला 2500 रुपया, लेकिन देखो तक हम जैसे मुखिया जी बने लगे स्कॉर्पियो पर फॉर्चूनर पर घूमे लगे लो, यही सब मैच बॉक्स के सवाल बने लगे का रहो चुनाव लड़े में जीते तो फिर चंद्र की गाड़ी हुई तो और ही गाड़ी अपना द्वार पर लगवाएं का जी। ये सवाल खातिर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल अपने पूछल गई। अभी हमरा पास 4 गाड़ी बा जी, 4 गाड़ी बा, 2 गाड़ी ऑलरेडी हमरा कैंपस में यहाँ अभी रुआ लागल देखे, आ 2 गाड़ी हमारे, 1 गाड़ी इंजीनियर्स बेटा बारन उनका पास बा, आ 1 गाड़ी हमारे बेटा वकील बारन उनका पास बा। चारों शोरूम से लेवल गाड़ी बा, कोनो 2 साल पुराना कोनो 5 साल पुराना, आ कोई बैंक से लाइबिलिटीज हमनी के परिवार पर नहीं थे। वो गाड़ी भी जो लेवल बा 8 कैश रुपया से लेवल बा, ट्रैक्टर बा, JCB बा हमरा पास ना। ऐसे गाड़ी के काफिला अब हम अकेले आदमी 5 गो गाड़ी के काफिला हम नीतीश जी या जगन्नाथ मिश्रा तो हई ना कि हमरा गाड़ी के काफिला पीछे घुमावे के शौक बा। आ शौक यदि ऐसा बा तो जनता जनार्दन के निस्वार्थ भावना से हमरा पीछे काफिला घूमे लगेला जब हम चाहें तब। नॉमिनेशन जो हम पिछला बार कैनी शायद अपने पहले कहले रहती मौका देती तो एक वीडियो क्लिप अपने के हम देखती, उसमें बगैर तेल मोबिल के करीब 200-150 गाड़ी रहे, जे भी देखलक वो कहल कि मुखिया के ना ही कोई विधायक के नॉमिनेशन हो जाता। तो ऐसे इस सवाल खातिर धन्यवाद। आ गाड़ी के ना हमरा शौक बा, ना हमरा दौलत के शौक बा, आ ना तमन्ना बा, जौन पूर्वज हमरा के देले बा ओकर हिफाजत हो जाए तो हमरा बहुत बा। जो अगला प्रत्याशी रूप अथी कहत नहीं कि बूथ कैप्चरिंग करवा ले तो जरूर कल इतना धन बा बल बा जान बता रहुआ कहे ना करवा लेनी बूथ कैप्चरिंग। चूँकि हम सभ्य परिवार से बिलोंग करतनी, पढ़ल लिखल सामाजिक आदमी बानी ना, आ दूसरा चीज़ कि हमारा साथ छल कल गई जैसे 4 प्रत्याशी एक साथ मिलन, आ हमरा ये अंदाज ना रहे कि जनता हमरा ही भरोसा रहे कि जनता हमरा साथ बा। वोट जोन होता एकदम जेन्युइन होता, जनता वोट देता आ हम एकदम 100% आश्वस्त रहनी कि जे समाज बा जे लोग बा हमरा साथ जुड़ल बा आ 100% लाइन में लगा के देता। वहाँ वो लोग एगो कैंडिडेट एक खास वर्ग के रलन रुआ के बतैनी 3 आदमी आ वो घड़ी तत्कालीन थाना प्रभारी भी वही वर्ग से बिलोंग करत रहलन, तो हमरा साथ ही छल करके वो बूथ कैप्चरिंग कर गई। वो समय में भी कोई प्रत्याशी का इतना ताकत ना रहे कि हमरा के आँख दिखा के आ बूथ कैप्चरिंग कर जाओ, विश्वास में लेके छल करके लाइन लगा के आ मैनेज करके कही गई। मैनेजमेंट कहीं कि वहाँ वो लोग करके अपन काम कैलक, ताकत के प्रयोग करके ना, ताकत के प्रयोग करके यदि कोई बात कहता तो हम तैयार बनी, मने हम हर तरीका से कैपेबल बानी आ ओकर प्रयोग यहाँ जरूरत लागल बात हम कैले बानी, जनता देखले बा हमार ताकत ना। आ फिर पुनः यदि कोई ऐसा बा कि हम ताकत पर कुछ करें तो इस चुनाव में हम तैयार बानी कि ताकत के प्रदर्शन करें जी। रुआ के जनता वोट दे के जीताओ लेकिन सर्टिफिकेट ना मिलल, बूथ कैप्चरिंग हो गई, तो अब की फिर वही सब कामला काम हो या पहले से ही तैयार रहें रुआ कि अब की बूथ कैप्चरिंग ना हो गया, अब की हमारे सर्टिफिकेट मिलो, जनता भी सर्टिफिकेट दे और ब्लॉक से भी सर्टिफिकेट मिलो जी। हमरा सबसे पहले तो अपन जनता अपना लोक पर हमरा अपन पंचायती राज में जितना हमार वोटर बारन उनका से हमार नम्र निवेदन बा आ उनका से हमार अपील बा कि अब कि हमरा के अकेले ना बूथ कैप्चरिंग ना होखो, कोई अभद्र कोई अनर्गल वर्क ना होखो, एकरा वो दिन हम अकेले रहनी। सिर्फ आज के दिन में हम ना
हमारी 5000 कम से कम जनता तैयार बा मुरेठा बांध के कि रउआ ना जाए के नहीं खे बूथ कैप्चरिंग अब कि हमने ना होके देव सब। तो ताकत के प्रदर्शन जनता के सामने जब शहाबुद्दीन जी के ना चलल, प्रभुनाथ बाबू के ना चलल, तो ये मामूली सा एगो मुखिया के चुनाव में के जनमत के सामने के दादागिरी करी। जैसे हमरा पूरा भरोसा बा कि अब फिर हमरा नहीं करे के, जनता वो चीज़ खातिर तैयार बा कि अब फिर गलत ना होके देव सर। मन में आवता कि हर गांव में देखा था जितना ही कोरोना आई रहा तो राशन पताई में बड़ा धांधली होता क्योंकि राशन ना मिलत रहा, ये पर और का प्रतिक्रिया बाटे जी? अपने के सवाल एकदम वाजिब बा। हमनी के पंचायत में राशन किरासन के हाल ही बा कि जेकरा वाजिब वास्तविक जरूरत बा ओकर ओकरा के दबावल जाता। ओकरा ये 10 साल से अभी जे वर्तमान में मुखिया जी बानी, 10 साल यहाँ के माने मुखिया बानी, 10 साल से मुखिया बानी, यहाँ के कार्यकाल 10 साल अब पूरा होके जाता। यहाँ के पिताजी भी ये पंचायत से 5 साल मुखिया रहल बानी, मगर अभी 70% जरूरतमंद लोग के राशन कार्ड नहीं के बन सकल। आ अभी यहाँ के मनमानी जेकरा जे यहाँ के चहेता बा ओकरा के यहाँ का ताज जबरदस्ती अच्छा से बुरा से नीचे से ऊपर तक सरकारी कर्मचारी के प्रभावित करके गलत तरीका से राशन कार्ड यहाँ का उपलब्ध करावतनी। गरीब जनता जे बा जेकरा जरूरत बा ओकर एक लाइन कहनाम बा कि तुम मेरे ही परिश्रम से मोटे बना करते, हम मांग रहे हो रोटी तुम हमें पत्थर मारा करते। गरीब आदमी यदि मुखिया जी के पास जाता कि हमरा पास राशन नहीं खे, कार्ड नहीं खे, व्यवस्था करा दी, तो वहाँ का डांट के कहाँ घर हरे तो काहे का सवेरे सवेरे चले ले है, कोनो काम नहीं खे, जो भक्त डांट के वहाँ का भागावे नहीं। यहाँ का जब मुखिया प्रत्याशी शुरुआत में यहाँ का भय नहीं तो यहाँ का पास एगो मोटरसाइकिल भी सही ढंग से ना रहे। आज यही मुखिया का बदौलत यहाँ का गांव से लेके दिल्ली या बॉम्बे तक करोड़ों के संपत्ति अर्जित कैले बनी। यदि एकर सही ढंग से जांच कैल जाओ तो दूध के दूध पानी के पानी सामने आए। वैसे और ही हम देखले बनी जैसे मुखिया लोग बने ला तो दिल्ली में पटना में घर और बनवा लेला, तो का रहो जब मुखिया बने तो रहो दिल्ली या पटना में घर द्वार रही का रहो दिल्ली में 5 साल गायब रहे या पटना गायब रहे? सबसे पहले अपने की हम पहले ही सवाल में ही बतैनी हम, हमार दादाजी हमने के कलकत्ता में हमारा मकान बा लेक गार्डन में, दिल्ली नोएडा में हमारा अपन मकान बा नोएडा में, बेटा वहाँ पढ़तलन तब बेली आई रहे। छपरा में हमार अपन 1.5 बीघा जमीन बा, 5 गो डबल स्टोरेज ट्रिपल स्टोरेज बिल्डिंग बा। पटना में हमार 3 जगह जमीन मकान बा, 1 बिल्डिंग जे बा 4 तल्ला बा, जोन अपार्टमेंट के दिले बानी सन 8 गो फ्लैट होमे बा, 1 फ्लैट के कीमत 1 करोड़ से ऊपर बा बोरिंग रोड वाला। नेपाल में 500 बीघा के एगो फॉर्म हाउस बा जोन बीच में कोई का जगह नहीं थे, आज भी वहाँ 20 गो स्टाफ हमने रही ना रही परमानेंट वहाँ काम करे लंच, 3-4 ठोर वहाँ ट्रैक्टर बा, वहाँ हमने के खेती बाड़ी अभी आज भी वहाँ बा। तो जब दिल्ली कलकत्ता नेपाल पटना छपरा तो अब का कनाडा आई USA वाला वैसन क्वालिफिकेशन आ वैसन बात हमरा पास नहीं थे, हमरा जॉब में जाए के नहीं थे, हम धीरू भाई अम्बानी हम ना बन सके नहीं ऐसा हमरा ख्वाब नहीं थे। तो अपना अपना परिवार खातिर तो हम कुछ ना करे तो हमार आजीवन जीविका चला देवे खातिर हमार पूर्वज हमनी के करके चल गई बा कि हमनी के ऐस आराम ऐसी में बैठ के जिंदगी बीत जाए। तो हमरा दौलत आ मकान के कोई जरूरते नहीं थे, काहे के हम का करे? अच्छा रउरा पंचायत में मुख्य मुद्दा का बाटे रउरा देखे से? हमारा पंचायत में मुख्य मुद्दा बा भ्रष्टाचार मिटाओ, स्वच्छ छवि वाले आदमी के हर पद पर, BDC पद होके, जिला परिषद के पद होके, वार्ड के होके, मुखिया के होके, जनता से ये अपील हमनी का करें नहीं सन, सरपंच के होके, खासकर व्यक्तिगत तौर पर हम कि एकदम स्वार्थ विहीन लोग, स्वच्छ लोग ना राजनीति में आवे आ स्वच्छ लोग के जनता चयनित करे। और एक बिहार के मानचित्र पर ये पंचायत के हमनी का जीत के सब स्वच्छ छवि वाले लोग के साथ एक नया पंचायती राज के निर्माण जे कि आदर्श पंचायत ग्राम पंचायत में एकरा के तब्दील कर दी सन।
आ एगो पंचायत हमनी के उदाहरण बनो पूरे बिहार में कि एक बिहार ऐसन बिहार में ऐसन पंचायत बा जहाँ की यह छवि के लोग आ यह सोच के लोग बा जे एकरा के माने टाउनशिप में कन्वर्ट कर दिला कि ग्रामीण राज्य खाली लिखल रही ऊपर कि ग्रामीण पंचायत राज, मगर देखला से या सर्वे कैला से बुझाए कि ये कोई नगर निगम के इलाका बा ई हमनी के विचार बा। माने रउआ जब मुखिया बनम तो जौन इतना बोलनी है उतना काम करें, अगर रउआ ये काम ना करनी अगर पाँच साल बाद फिर हमी के रउआ पास आयम सन तो रउआ का जवाब देम? एकर अपने के जरूरत ना पड़ी हमार जवाब सुने के, एकरा बाद रउआ जनता के जवाब सुने के सुनेम, हमारा ये कहे के जरूरत ना पड़ी। ऐसे कि जितना में काम कनी हाँ बिना मुखिया बनले हमने ये योजना में लागल बानी, एकर उदाहरण बा एगो मोती छपरा टोला बा मेन रोड पर जो हमनी का पंचायत में बा, अपना पॉकेट से 1.5-2 लाख रुपया लगा के पूरा गांव के इलेक्ट्रिफिशियन के काम करौले बनी। अभी उमे 30,000 रुपया लगा के मुखिया जी मने भेदभाव बरत के एगो रोड के निर्माण ना करौनी, वो लोग हमरा से कहलक तो पॉकेट से 30,000 रुपया दे के मिट्टी उट्टी भरवा के ईटाकरण के काम करौले बनी। तो ई रउआ पूछे के हमरा से फिर दोबारा ई क्वेश्चन करे के हमरा बुझा दे के रउआ अपने के जरूरत ना पड़ी, वो जनता एकर जवाब दिया रहा और कैमरा बताई कि काम भइल बा कि ना। रउआ मैच बॉक्स के टीम से मिलके कैसन लागल? बहुत आनंदित भइनी, बहुत खुशी बा अपने लोगिन हमरा पास हमरा के कीमती समय दहनी एकरा पास, हाथ जोड़ के अपने के नमस्कार। अपना हमारा चैनल के माध्यम से अपना पंचायतवासी को का संदेश देवे के चाहत नहीं? हम तो पंचायतवासी के अपने के चैनल से यह संदेश देव कि अपने सबन पंचायत के भी 2-4-10 गो कम से कम जे स्वच्छ लोग बा, जे स्वच्छ उम्मीदवार बा, BDC होखस सरपंच के होखस, उनका से भी ओपिनियन लियल जाओ। आ ई बा कि पंचायत के जे लोग बा, जे वोटर बा, ओकरा के ई दियाओ कि अपने एकदम यदि अजय ओझा जी में ये सब तत्परता बा, परिवार से संपन्नता बा, कोई आचरण में कोई प्रकार के कमी नहीं थे, उदंड नहीं थी, तो अपने सबन एगो स्वच्छ बढ़िया आदमी के चुनाव क के ई पंचायत के विकसित कराई। यहाँ के हमारा साथ रहनी अजय ओझा जी, अभी हम बानी बनियापुर प्रखंड के शाहजीतपुर पंचायत में, यहाँ से कुछ बात विचार होतला रउआ सुनबे कनी। तो अगला वीडियो में मिलम के और के साथ, तब तक खातिर धन्यवाद।